नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम एक बार फिर से आ ही रहे आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसको किसी वरदान से कम नहीं माना गया है। और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि यह पौधा काफ़ी बेनिफिट्स पहुंचाता है आपकी हेल्थ के लिए और कई प्रकार से इसको यूज़ भी किया जाता है, जो कि कई तरीके से काम में ले सकते हैं इस पौधे को। और दोस्तों बहुत सारे लोग इसको उखाड़ने की गलती कर लेते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है क्योंकि यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों अब बताते हैं इस पौधे का नाम। तो दोस्तों यह पौधा है लोणी। जी हाँ दोस्तों, लोणी पौधा भारत में लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है। लोणी प्लांट उत्तर भारत पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। लोणी को विभिन्न नामों से जैसे लुनिया, कुल्फा, ब्रह्म लोणी, लुनाक, बड़ी लोणी, खुरसा, डुड्डा, बारानोली, घोल, कोलुप्पू, बड़गुनी, गोराई आदि नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन इसका जो मेन नाम है वो होता है लोणी। दोस्तों प्रकृति ने अपने खजाने से हमको हमेशा ही भरपूर किया है, बस हम ही उसको पहचान नहीं पाते हैं। पहले लोगों को जड़ी बूटी का ज्ञान बहुत होता था, आज हम आपको जंगली घास के बारे में भी बता रहे हैं। ये अक्सर ही खाली पड़ी जमीन में उग जाती है और हम खपतवार समझकर इसे फेंक देते हैं। दोस्तों लोणी पत्तों का रस इन्फेक्शन, घाव के चारों तरफ लगाने से सूजन, पस, जख्म से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। कुल्फा की सब्जी बनाकर उसका रस एक चम्मच की मात्रा में पीने से अगर आपको मूत्र से संबंधित कोई रोग हो गया है तो वो रोग आपका ठीक हो जाता है। इस प्रकार से लोणी आपके मूत्राशय के रोग को दूर करने के लिए काफ़ी कारगर और फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों आयुर्वेद में इसको सर के रोग, आँखों के रोग, कानों के रोग, मुंह के रोग, त्वचा के रोग, थूक में खून आना, पेट के रोग और बीमारियों के जहर उतारने के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें इतने गुण विद्यमान हैं जिससे इसके स्किन से लेकर आपकी हेल्थ तक, आपकी भीतरी अंगों तक कोई समस्या हो रही है तो उसको दूर करने के लिए भी इसका तरह तरीके से यूज़ किया जाता है और यह काफ़ी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों यह थी लोणी पौधे के ऊपर जानकारी, जिसके बारे में शायद अधिक लोग इसके महत्व को नहीं जानते थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी हेल्थ टिप्स रोज़ाना मिलती रहती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।